हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है फोर आर्म बोन एक्सरे आज के वीडियो में हम फोर आर्म बोन का एक्सरे कैसे करते हैं और इसकी पॉजिशनिंग और इसके टेक्निकल फैक्टर क्या होते हैं इन सभी को इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो आइए जानते हैं फोर आर्म एक्सरे के बारे में फोरआर्म एक्सरे सबसे पहले फोरआर्म का एक्सरे क्यों किया जाता है इसके बारे में जानते हैं सस्पेक्टेड फोर आर्म बोन्स फ्रैक्चर मतलब फोर आर्म बोन में कोई सस्पेक्टेड फ्रैक्चर होने पर ऑब्वियस डिफॉर्मिटी मतलब फोर आर्म बोन में कोई विकृति होने पर फोरआर्म बोन डिसलोकेशन होने पर फोर आर्म बोन में कोई ट्यूमर होने पर नॉन ट्रोमेटिक पेन होने पर सस्पेक्टेड फॉरेन बॉडी देखने के लिए इन सभी कंडीशंस को देखने के लिए फोरआर्म का एक्सरे किया जाता है अब फोरआर्म बोन की एनाटॉमी के बारे में जानते हैं फोरआर्म में दो बोन्स होती है एक रेडियस और एक अल्ना यह जो इंटेरोसियस मेम्ब्रेन होती है यह दोनों बोन को जोड़ने का काम करती है यह जो रेडियस बोन होती है वह अल्ना बोन से थोड़ी लॉन्ग होती है और रेडियस बोन लेटरली और हैंड के थम के साइड होती है मतलब जो हैंड का अपना थम होता है उस साइड रेडियस बोन होती है जो अल्ना बोन होती है वह मीडियली साइड और लिटिल फिंगर के साइड होती है यह अल्ना बोन का हेड होता है और यह अल्ना बोन का कोरोनोइड प्रोसेस होता है और यह रेडियस बोन का हेड और नेक होता है और यह रेडियस बोन का रेडियल टूबेरसिटी होती है अब फोर आर्म बोन के प्रोजेक्शन की बात करते हैं फोर आर्म बोन के दो प्रोजेक्शन लेते हैं फर्स्ट है फोर आर्म एपी व्यू मतलब एंटीरियर टू पोस्टेरियर सेकेंड है फोर आर्म लेटरल व्यू इसे 90 डिग्री पर इंटरनली रोटेट किया जाता है तो पहले फोर आर्म एपी व्यू की बात करते हैं पेशेंट इज सीटेड एलोंग साइड द टेबल विद द फोर आर्म रेस्टिंग ऑन द टेबल मतलब सबसे पहले पेशेंट को एक्सरे टेबल के अलोंग साइड मतलब एक्सरे टेबल के बगल में बैठाया जाता है और अफेक्टेड फोर आर्म को एक्सरे टेबल पर रखा जाता है द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड फोर आर्म फिर एक्सरे कैसेट को अफेक्टेड फोर आर्म के नीचे रखा जाता है द अफेक्टेड फोर आर्म शुड रेस्ट ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द कैसेट मतलब अफेक्टेड फोर आर्म को कैसेट के मिड पॉइंट पर रखना चाहिए द एल्बो इज फुली एक्सटेंडेड मतलब एल्बो ज्वाइंट फुली एक्सटेंडेड मतलब एल्बो ज्वाइंट पूरा फैला हुआ होना चाहिए द फोरम इज सुपानेटेड शो द डोरसल सरपेस इज इन कॉन्टेक्ट विद द कैसेट मतलब फोर आर्म को सुपाइनेटेड मतलब फोर आर्म को सीधा समतल रखा जाता है ताकि फोरआर्म की डोरसल सरपेस कैसेट के कॉन्टेक्ट में रहे ह्यूमेरल इपिकोंडाइल शुड बी इक्वल डिस्टेंस मतलब ह्यूमेरल एपिकॉन्डल समान डिस्टेंस पर होने चाहिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस प्रकार फोर आर्म एपी व्यू की पोजिशन होनी चाहिए अब सेंटरिंग पॉइंट की बात करते हैं द एक्सरे बीम विल बी सेंट्रेट टू द मिड पॉइंट ऑफ द फोर आर्म मतलब फोर आर्म एपी व्यू के लिए एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट फोर आर्म के मिड पॉइंट पर होता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट फोर आर्म के मिड में होता है फिर है कॉलिमेशन यह है फोर आर्म की साइज का होना चाहिए इसमें रेडियस अल्ना कार्पल और ह्यूमरस का डिजिटल पार्ट इंक्लूड होना चाहिए नेक्स्ट है कैसेट साइज यह 11 इंटू फोर्टीन इंच की होती है और यह बॉडी पार्ट की साइज पर डिपेंड करता है नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ आईआर। आर इसमें कैसेट को पोर्ट्रेट पोजीशन में रखा जाता है नेक्स्ट है गोनाडल शील्डिंग स्केटर रेडिएशन के प्रोटेक्शन के लिए पेशेंट के गोनाड्स पर लेड शील्ड लगाना चाहिए नेक्स्ट है एक्सपोजर फैक्टर फोर ए पी व्यू के लिए 50 से 55 फाइव और 3 से 4 एम का यूज किया जाता है नेक्स्ट है एफ यह हंड्रेड सेंटीमीटर होनी चाहिए नेक्स्ट है ग्रिड फोरआर्म एक्सरे के लिए ग्रिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है नोट पेशेंट्स शुड रिमूव एनी ज्वेलरी एंड क्लॉथिंग और द फोरआर्म टू एवॉइड आर्टिफैक्ट। मतलब आर्टिफैक्ट से बचने के लिए पेशेंट्स को किसी भी ज्वेलरी और कपड़ों को फोरआर्म के ऊपर से रिमूव कर देना चाहिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस प्रकार फोरार्म का एपी व्यू हमें प्राप्त होता है फोरआर्म का सेकेंड नंबर प्रोजेक्शन है फॉर आर्म लेटरल व्यू द एफेक्टेड फोर आर्म शुड बी रेस्ट ऑन द एक्सरे कैसेट इन ट्रू लेटरल पोजिशन मतलब पेशेंट के अफेक्टेड फोरार्म को एक्सरे कैसेट पर ट्रू लेटरल पोजिशन में रखा जाता है द रिस्ट एंड फोरम इज इंटरनली रोटेड एट नाइन्टी डिग्री मतलब रिस्ट और फॉरआर्म को नाइन्टी डिग्री पर इंटरनली रोटेड किया जाता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं फोरआर्म लेटरल व्यू के लिए फोर आर्म को ट्रू लेटरल पोजिशन में रखना चाहिए और फोर आर्म को इंटरनली नाइन्टी डिग्री पर रोटेट करना चाहिए द एल्बो इज फ्लैक्स्ड नाइन्टी डिग्री शो द मीडियल सरपेस ऑफ फोर आर्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द कैसेट मतलब एल्बो जॉइंट नाइन्टी डिग्री पर मुड़ा हुआ होना चाहिए और फोर आर्म की मीडियल सरपेस कैसेट के कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो एल्बो जॉइंट होता है वह 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होना चाहिए और फोर आर्म की मिडिल सरपे स्कैसेट के कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए और फोर आर्म ट्रू लेटरल पोजिशन में होना चाहिए अब फोर आर्म लेटरल व्यू की सेंटरिंग पॉइंट की बात करते हैं फोर आर्म के लेटरल व्यू के लिए बीम का सेंटरिंग पॉइंट फोर आर्म के मिड में होना चाहिए मतलब रिस्ट और एल्बो जॉइंट के मिड में होना चाहिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट फोर आर्म के मिड में इस जगह होना चाहिए तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा